बालिका सुरक्षा आयोग का गठन और प्रदेश में शराबबंदी जैसी कई मांगों को लेकर हिंदुस्तान उत्थान पार्टी ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। हिंदुस्तान उत्थान पार्टी ने अपनी कई मांगों को लेकर मंगलवार को जनसुनवाई के माध्यम से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उनकी मांग है कि प्रदेश में लगातार बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ और अत्याचार जैसी बढ़ती घटनाओं को देखते हुए प्रदेश में बालिका आयोग का गठन किया जाए। प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए क्योंकि शराब की वजह से सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। हर बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। शिक्षा में प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाई जाए एवं सरकारी स्कूलों की सुविधा बढ़ाई जाए, जिससे शिक्षा का व्यवसायीकरण होने से रोका जा सके। इसके अलावा कई अन्य मांगे हैं जिसको लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया है। हमारी मांग है सरकार से कि छेड़छाड़ की बढ़ती घटनाओं को, बालिकाओं के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, तो बालिका आयोग का गठन किया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि मध्य प्रदेश में पूर्णतः शराब बंद हो और शिक्षा का, प्राइवेट स्कूलों में जो शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है वो बंद होना चाहिए।